हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इजी निटिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए टू कलर का बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा डिज़ाइन लेके आई हूँ। इस डिज़ाइन को बुनने के लिए मैंने यहाँ पे ये टू कलर की बेबी वूल ली है, वर्धमान वाली, और उसके अंदर मैं 10 नंबर की नीडल यूज करूँगी। तो चलिए देखते हैं डिज़ाइन कैसे बनाया गया। इस डिज़ाइन को बुनने के लिए मैंने ये टू के मल्टीपल में फंदे डाले हैं। जैसे दो दो गिनते जाइएगा तो हमारा डिज़ाइन अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। ये हमारी सीधी साइड है। अब आ गए हम बैक साइड में। ये डिज़ाइन हमारा बैक साइड से बनना शुरू होगा। तो फर्स्ट रो है, इसको पूरी रो को ऐसे सीधा बनाते जाएंगे। सभी फंदे हम सीधे बना के फर्स्ट रो को कंप्लीट कर लेंगे। आपने अगर किसी प्रोजेक्ट में फंदे बढ़ाने हो तो आप बॉर्डर बनाने के बाद सीधी तरफ से ही फंदे बढ़ा लीजिएगा, क्योंकि बैक साइड से डिज़ाइन बनना शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, बच्चों के प्रोजेक्ट के लिए तो एकदम परफेक्ट है। डिज़ाइन बनाने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और मेरे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे इसको पूरी रो को धागा पीछे करते हुए सीधा बुन लेंगे ऐसे। तो ये हमारी फर्स्ट रो बैक साइड से सीधी बन के कम्प्लीट। अब आएंगे हम सीधी तरफ, तो यहाँ से हम सेकंड कलर ज्वाइंट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सेकंड कलर यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। ये सीधी साइड है, ये हमारा फर्स्ट फंदा है एज स्टिच, इसको हम सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा और सीधा बुनेंगे। दो फंदे बुनने के बाद जो हमारा ये तीसरा फंदा, इसको यहाँ से नहीं बुनेंगे, इसके जो नीचे होल दिखाई देता है यहां से इसको सीधा बुनेंगे ऐसे उतारेंगे। फिर एक फंदा ऊपर की साइड से ऐसे ही बुनेंगे। फिर अगले फंदे को नीचे के, ये जो मेन नीचे दिखाई देता है ये होल, यहां से इसको बना लेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर एक फंदा यहां से बुनेंगे। तो ऐसे ही बुनते जाएंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, एक फंदा यहाँ से नहीं बुनते हुए नीचे वाले होल से एक सिलाई नीचे से बुनेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा नीचे वाले होल से ऐसे बुनेंगे। तो ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम बना लेंगे। इस फंदे को सीधा बुनेंगे। अब ये फंदा नीचे वाले होल से सीधा बुनेंगे। अब ये एच स्टिच है, लास्ट में एक फंदा सीधा। स्टार्टिंग में दो फंदे सीधे आएंगे, लास्ट में हमारा एक फंदा सीधा आएगा। अब आएंगे हम बैक साइड में। तो देखिए फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये दोनों तरफ से हमारा डिजाइन ऐसे ही बनेगा। तो जो फंदा हमारा सीधा सीधी तरफ से था, यहाँ से भी इसको सीधा ही बुनेंगे। अब जो ये फंदा है जो नीचे से बनाया था हमने, इसके यहाँ पे ये दिखाई देगा ये फंदा, ये इस फंदे को लेंगे और इसको लेंगे, इसका दो का एक करेंगे। अब ये फंदा सीधा बुनेंगे। अब ये फंदा यहां से सीधा बुनेंगे। फिर अगले वाले फंदे को फिर से ये जो धागा दिखाई देगा यहां से, इसको सेकंड कलर के फंदे को लेते हुए दो का एक करेंगे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ये फंदा लेंगे, ये लूज सा फंदा नजर आएगा आपको, यहाँ से जो हमने नीचे वाले होल से बना के फंदा बनाया था, यहाँ पे दो का एक करेंगे। फिर एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से ये फंदा जो दिखाई देगा यहाँ से, इस फंदे को लेंगे और जो नीडल पे है इस फंदे को लेके और दो का एक करेंगे यहाँ पे। फिर से एक फंदा सीधा बुनेंगे। फिर से इस नीचे वाले फंदे को लेंगे, ये यहाँ पे डबल धागा दिखाई देगा आपको ये, और एक नीडल वाला फंदा इसका ऐसे दोनों को एक साथ बुन देंगे। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे। फिर से ये फंदा लेंगे जो यहाँ से नीचे से है, लूज सा फंदा नजर आएगा आपको ये, इसको नीचे से उठा लेंगे, फिर दोनों का एक कर देंगे। फिर एक फंदा सीधा। फिर से यहाँ से फंदा लेंगे ये, और इसके साथ इसको बुन देंगे। ऐसे ही करते हुए इस पूरी रो को हम कंप्लीट करेंगे।
इसको सीधा बुनेंगे, इसको फिर यहाँ से फंदे को उठाएंगे और इसके साथ दो का एक बना देंगे, फिर ये दो फंदे लास्ट के सीधे। अब आएंगे हम सीधी तरफ थर्ड रो में। बहुत ही आसान डिजाइन है, थोड़ा सा बुनने के बाद आपको नजर आएगा बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आएगा। दो दो सिलाइयाँ हमारी बनती जाएंगी। अब हम ये यहाँ पे अपना बेस कलर लगाएंगे। तो अब यहाँ पे एक फंदा बुनेंगे, फर्स्ट रो में हमने दो बुने थे, अब की बार एक बुनेंगे, फिर जो ये फंदा है इसके नीचे से डाल लेंगे और फंदा बुन लेंगे ऐसे। फिर इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से यहाँ से डाल लेंगे नीचे वाले होल से और फंदा बुनेंगे। यहाँ पे स्टार्टिंग में ही ध्यान रखिएगा, जो ये फंदा है जिसके नीचे वाइट और सेकंड कलर है, इस फंदे को हम सीधा बुनेंगे, और जो फंदा ये सिर्फ सिंगल कलर में है सेकंड कलर में, इसके नीचे से सिलाई डाल लेंगे और ऐसे फंदा बुनेंगे। फिर इसको सीधा बुनेंगे, इसके नीचे से डाल के बुनेंगे, एक बार फंदा ऊपर से बुनेंगे और अगले फंदे को नीचे वाले होल से बनाएंगे ऐसे, फिर इसको बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए इस रो को हम बना लेंगे। अब इस फंदे को ऊपर की तरफ से बनाएंगे, जो ये फंदा है इसके नीचे वाले होल से इसको सीधा बुनेंगे, फिर से इसको अब आएंगे हम बैक साइड में फोर्थ रो में। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे दो फंदे, एक और दो सीधे। अब जो ये फंदा बुना था हमने नीचे वाले होल से, इस फंदे को उठाएंगे और निडल वाले फंदे के साथ सीधा फंदा बुन देंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से इस फंदे को उठाएंगे और यहाँ से बुनेंगे ये फंदा फिर सीधा। जो फंदा हम नीचे से उठाएंगे, इसके ऊपर यहाँ पे आपको दो धागे नजर आएंगे सेकंड कलर के, तो जो ये लूज वाला फंदा है इसको उठा लेंगे और निडल वाले फंदे के साथ ऐसे बुन देंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से इसको उठाएंगे और निडल वाले फंदे के साथ बुन देंगे, एक फंदा सीधा, फिर से नीचे से उठाएंगे और यहाँ से इसके साथ इसको बुन देंगे ऐसे, फिर से इस फंदे को सीधा बनाएंगे, फिर से नीचे से ऐसे नजर आएगा फंदा, इसके साथ लेंगे और इसको ऐसे बुन देंगे, फिर से एक फंदा सीधा, फिर से यहाँ से लेंगे और इसके साथ इसको बुन लेंगे, फिर एक फंदा सीधा, फिर यहाँ से लेंगे फंदा उठाएंगे नीचे से और इसके साथ बुनेंगे। ऐसे ही करते हुए इस पूरे रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट का फंदा सीधा। अब आएंगे हम सीधी तरफ। तो चार सिलाइयाँ हमारी बन चुकी हैं। अब ऐसे ही इन सिलाइयों को हम रिपीट करते जाएंगे। अब फिर हम अपना सेकंड कलर लगाएंगे, तो यहाँ पे हम दो फंदे फिर से सीधे बुनेंगे। दोबारा से डिजाइन स्टार्ट हो चुका है, दो फंदे सीधे। अब जो ये फंदा नजर आता है, जो हमारा ये पूरा फंदा एक ही कलर में नजर आएगा, इसके नीचे वाले होल से, इसकी ये पहचान बता रही हूँ मैं आपको ताकि परेशानी ना हो बुनते वक्त। इस फंदे को ऊपर से बुनेंगे, इस ये जो फंदा है पूरा फंदा हमारा एक ही कलर का है, इसके नीचे वाले होल से इसको सीधा बुनेंगे, इसको फिर ऊपर से बुनेंगे, इसको फिर नीचे से बुनेंगे। तो ये हमारा दो दो सिलाइयाँ हम बनाते जाएंगे तो हमारा बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आ जाएगा। नहीं इसमें धागे को घुमाना होता हमने, नहीं ही इसमें ज़्यादा वूल लगती, बहुत ही प्यारा डिजाइन बन के आता। बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट में आप इसको डालिए। ये मैंने आपको दोबारा से फिर से स्टार्ट करके दिखा दिया है। जो इसकी यही पहचान रखिएगा, जो फंदा नीचे से बुनेंगे हम, वो सिर्फ एक ही कलर में आपको नजर आएगा, इसके नीचे वाले होल से यहाँ से बुन लेंगे, और जो ये फंदा जो डबल कलर में दिखाई देगा इसको ऊपर से बुनेंगे, फिर यहाँ से बुनेंगे नीचे की तरफ से, इसको फिर ऊपर से बुनेंगे, फिर यहाँ से बुनेंगे,
जो डबल कलर का फंदा दिखाई देगा इसको ऊपर की साइड से बुनेंगे, सिंगल कलर वाले को नीचे की तरफ से। मेन पहचान है इसकी, यह डिजाइन बहुत ही अच्छे से बन के आएगा। सिंगल फंदे को नीचे से बनाते जाएंगे और डबल फंदे को ऊपर से, सिर्फ दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाई बुनते हुए जाएंगे और बहुत ही प्यारा सा डिजाइन बन के आ जाएगा। ये दोबारा से मैंने आपको स्टार्ट करके दिखा दिया। जब आप ये चार चार सिलाइयाँ बनाते जाएंगे तो हमारा ऐसे बहुत ही प्यारा सा और सुंदर सा ऐसे डिजाइन बन के आ जाएगा। आप इसको किसी भी प्रोजेक्ट में डालिए, बहुत ही सुंदर डिजाइन बन के आया है और बनाना बहुत ही आसान है। दोनों तरफ से सीधी सीधी सिलाइयाँ हमारी बनती जाएंगी और बैक साइड से ये ऐसे नजर आएगा। अलग से धागा घुमाने की इसके अंदर जरूरत नहीं पड़ती। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा डिजाइन पसंद आया हो, मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा बताने का तरीका पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको हमारा ये डिजाइन कैसा लगा। थैंक यू।